पैदा हुई है समाज के बहुत बड़े तबके को, जिस देश की हुकूमत भारत सरकार चला रही है, इस बारे में जो एक तीव्र नाराजगी है और आम लोगों को एक नया रास्ता की खोज में, और मुझे खुशी है इस शांतिपूर्ण संघर्ष की नेतृत्व की जिम्मेदारी यशवंत सिंह ने अपने कंधे पर ले ली, और मुझे मालूम है कि उनकी पूरी यात्रा में दिल्ली में पहुंचने तक जगह जगह पर समाज के नई पीढ़ी के प्रतिनिधि और अलग अलग वर्गों के प्रतिनिधि बड़े हिस्से से शामिल यहाँ हो जाएंगे। कुछ कदम भारत सरकार ने जो उठाए हैं, इससे देश की एकता पर चोट लगी है। समाज के कई छोटे लोगों को, छोटे वर्गों को हितों की रक्षा हो नहीं सकती, ये बात उनके मन में आई है। चाहे मानव चीज हो, चाहे वीजे की हो, ऐसे कई वर्ग जो बता नहीं सकते कि मैं कहाँ से आया, कहाँ रहूंगा, और ये बताने की उनमें क्षमता नहीं हो, तो जैसे पृथ्वीराज ने कहा, उनको एक अलग तरह के कैंप में रहने की नौबत आई। स्वतंत्र भारत के प्रतिनिधि, इस देश के हिस्सेदार, और उन्हें अलग कैंप में रहने की नौबत आएगी, इतनी बड़ी घोर निराशा इनके मन में कभी आई नहीं। ये परिस्थिति ये सरकार ने पैदा की, और इसलिए हमें समाज में जागृति करनी पड़ेगी, समाज के सभी वर्गों में एकता पैदा करनी होगी। को यात्रा के लिए विदा करने के लिए उपस्थित हुए हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। खिलाफ है, और हम रास्ते भर जहाँ जहाँ रुकेंगे, लोगों से मिलेंगे, ये अपना संदेश देंगे। आज इस यात्रा का संकल्प मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ बहुत कम शब्दों में, और वो यह है कि हम अंबेडकर जी द्वारा बनाए हुए संविधान की रक्षा करेंगे, हम देश का दोबारा बंटवारा नहीं होने देंगे, हम गांधी की दोबारा हत्या नहीं होने देंगे, हम सब एक हैं और एक रहेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद। सगळ्यांनी सराहना केली पाहिजे, वय झालं तरी लढा हा काही संपलेला नाही, आणि त्यांच्या ह्या लढ्याला पाठिंबा देण्यासाठी, सहभागी देण्यासाठी या ठिकाणी मी सहभागी आहे। हा आपण सगळेच लढतो आहोत, ही लढाई मोठी आहे असं मी त्या ठिकाणी मानतोय। सहजासहजी सरकार ऐकेल असंही मला वाटत नाही। तो काळा कायदा, नागरिकता संशोधन कायदा जो लोकसभेमध्ये आणि राज्यसभेमध्ये पास केलाय, तो देशाचा कायदा झालेला आहे, आणि त्या कायद्याचा संदर्भ घेताना नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स, नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर, आणि त्यातून मग काही विशिष्ट जातीच्या धर्माच्या सरकारला जे आवडणार नाहीत अशा लोकांना वेगळं काढायचं, त्यांच्या नागरिकतेवर शंका उपस्थित करायची, ते नागरिकतेच्या डाऊटफुल लिस्टमध्ये टाकायचे, आणि नंतर डिटेन्शन कॅम्पची जी कल्पना पुढे आलेली आहे, की त्यामध्ये त्या नागरिकांना, कारण त्या नागरिकांना दुसरा कुठलाही देश परत घेणार नाही।